हेलो गाइस, आज मैं आपको बताता हूँ कि वाटरप्रूफिंग कैसे होती है स्लैब पर और इसको कैसे कैसे करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, पहला ये हमने इस पे URP का कोट मारा हुआ है। ये URP का पहला कोट लगा है पूरी स्लैब पर और ये स्लैब का पूरा एरिया है 1500 स्क्वायर फीट। और ये देखिए, हम जैसे हम कोर करवाते हैं रेन वाटर पाइप के लिए तो उसको ऐसे सील करना चाहिए। ये बिल्कुल सही तरीका है सील करने का, इसे हमने केमिकल डाल के सील कर दिया है। ठीक है, और ये हमने URP का कोट 1 फीट ऊपर कर दिया है स्लैब से, ताकि यहाँ से लीकेज ना हो। और हमने एक चीज़ और करी है, जैसे कि ये देखें, इसे कहते हैं इंजेक्शन वाटर प्रूफिंग। ये हम 2 स्लैबों के जॉइंट पर करते हैं ताकि यहाँ से लीकेज ना हो कल को, और ये बहुत बेनिफिट होता है इससे, तो आप भी इसे करवा सकते हैं इजीली। अभी हमने इस स्लैब पर बस एक URP का कोट मारा है, ये देख सकते हैं स्लैब, ये देखिए इंजेक्शन वाटर प्रूफिंग।